दोस्तों, यदि आपने साल 2024 में मैट्रिक पास किया है तो इसी में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इसका जो है सभी का पैसा आना शुरू हो चुका है, पैसा इसका आना शुरू हो चुका है। तो इसी में अपना अपना पेमेंट स्टेटस किस तरह से देखेंगे कि आपका पैसा आया है या नहीं, किस तरह से देखेंगे आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी समझ में आएगा किस तरह से आप अपना देख सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है या नहीं, आप लिस्ट में किस तरह से देखेंगे और अपना स्टेटस कैसे देखेंगे, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर जो है पेमेंट डन हो चुका है, मतलब कि पैसा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डन, यहाँ पर जो इसका डेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं 21/9/24 को इसका जो है पेमेंट आया है। 21/9/24 को इसका जो पेमेंट डन हो चुका है, मतलब कि इनका जो है आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डन। तो अगर आपका आया भी होगा तो इसी तरह से आपका पेमेंट डन लिखेगा, इसी तरह से आपका पेमेंट डन लिखेगा। बाकी आपको चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए आपको मैट्रिक 2024 के वेबसाइट पर आना है, उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट में आना है, उसके बाद यहाँ से चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट पर भी होगा अपना, देखकर यहाँ से अपना फिल करना है। उसके बाद यहाँ से सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो इसी तरह से आपका करंट स्टेटस जो इस प्रकार से खुल कर आ जाता है। यहाँ पर आपका नेम रहता है, स्कूल नेम रहता है, और यहाँ पर आपका नेम रहता है, स्टूडेंट नेम, आधार नंबर, आधार वेरिफिकेशन स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस ये समझ लें कि अगर आपका सभी डिटेल इस तरह से वेरीफाई रहता है तभी आपका पेमेंट आपका इसी तरह से वेरीफाई रहेगा, तभी आपका पैसा आएगा और यस रहेगा तभी आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है पेमेंट डन हो चुका, मतलब कि इसका जो है पैसा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पैसा जो है आ चुका है। तो जिनका नहीं आया होगा तो यहाँ पर लिख रहा होगा, तो जिनका पेमेंट नहीं आया है तो उनका ये लिखता है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, आप भुगतान की प्रक्रिया के लिए प्रारंभ होने तक, इस तरह से लिखता है। बाकी यहाँ पर अगर पेमेंट आपका आ गया होगा तो इसी तरह से डन लिखेगा। बाकी आप लिस्ट में देखना चाहते हैं अपना नाम, तो लिस्ट में किस तरह से चेक करेंगे, तो लिस्ट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जहाँ से आप इस वेबसाइट से आकर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना लिस्ट में नाम। तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद अपना लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद कॉलेज चूज करना, जो भी आपका कॉलेज रहता है यहाँ से अपना चूज कर लेना है। यहाँ से अपना कॉलेज चूज करने के बाद यहाँ से आपको सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना, मेल करनी चाहिए तो मेल करना, हम फीमेल होगा तो फीमेल करते, उसके बाद सर्च वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। तो जैसे आप करते हैं सर्च, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर लिस्ट जो है इस प्रकार से खुल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट जो है इस प्रकार से खुल कर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेंड फॉर पेमेंट दिखा रहा है, मतलब इसका जो है पेमेंट जो है आ चुका है, इसका जो है पेमेंट जो है आ चुका है। यहाँ पर सेंड फॉर पेमेंट जिसका दिखा रहा है, इनका जो है पैसा आ चुका है। बाकी रेडी फॉर पेमेंट जिसका दिखा रहा है, इनका अभी पेमेंट नहीं आया है। रेडी फॉर पेमेंट अगर दिखा रहा है तो इनका पेमेंट नहीं आया है। तो इसी तरह से अगर दिखाता है तो यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम रहता है तो आपका पैसा ज़रूर मिलेगा, ये आपको ध्यान में रख लेना। आपका लिस्ट में नाम रहता है तो आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप यहाँ से इस लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 करके यहाँ से आप देख सकते हैं अपना इसमें नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम रहेगा तो ज़रूर आपका पैसा मिलेगा। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट जिस तरह दिखा रहा है तो आपका पैसा आएगा, देरी लगा कुछ देर लगेगा, बाकी आपका ज़रूर पैसा मिलने वाला है। तो इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस, देख सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है या नहीं, इसी तरीक़ा से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके पैसा जो है आना शुरू हो चुका है, पैसा आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप अपना ज़रूर चेक कर लें अपना एप्लीकेशन स्टेटस, या पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लें। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी जानकारी पाने के लिए।